हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी सुंदरबन की ट्रिप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए आप मेरे साथ देखिए हमने कैसे सुंदरबन की ट्रिप की। और ये हमने एक टूर दी सुंदरबन करके ग्रुप है उससे एक बुक किया था। तो चलिए हमारी जर्नी में। ओम जी, अभिषेक जी, 9 बजे हमने बोर्ड किया। तो ब्रेकफास्ट में हमें एक सैंडविच दिया गया और उसके साथ एक सॉस था, और बाद में हमारे पास का पानी का बॉटल भी आया और एक केला भी आया। तो गाड़ी को कुछ पुलिस वालों ने जो है वो पकड़ लिया था, पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम थी। तो काफ़ी देर जो है हम लोग वहाँ पे खड़े रहे, तो लगभग इस कारण से 1 घंटा हमें डिले हो गया। से गदखली तक के लिए ये हमारा पहला ब्रेक था, और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह के लिए उन्होंने परमिशन दी थी। और ये हम कहीं बसंती हाईवे पे हैं, चाय वाय वगैरह के लिए ब्रेक ले रहे हैं। अभी ठीक है, अभी हो जाए बसंती रोड, अभी जस्ट वीडियो बना रहे हैं। 10 बजे हम कोलकाता के गौतखली से निकले थे, और लगभग 3.5 घंटे की जर्नी के बाद यानी कि 1:15 बजे हम गौतखली पहुँच चुके थे। गौतखली पहुंच गए हैं, और ये एंट्रेंस ऑफ सुंदरबन है, आप देख सकते हो इसे, कुछ इस तरह का दिखता है। गौतखली से फेरी लेके हमें गोसाबा की ओर पहुंचना था, तो हमारे टूर गाइड ने हमारे लिए एक फेरी कर दी। तो ये एक अलग तरह का ही टूर का एक्सपीरियंस था। आप देख सकते हैं लोग कैसे बिल्कुल एक दूसरे से सट सट के बैठे हुए हैं। पहले तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन बाद में जब मैं बैठा तो मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं इस एक्सपीरियंस को हमेशा याद रखूंगा। गोसाबा के फेरी घाट पे उतर के हम गोसाबा की मार्केट की तरफ बढ़े, और उसमें हमें थोड़ी दूर चलना था जहाँ से हमें एक ई रिक्शा लेना था या प्राइवेट टेम्पो वगैरह लेना था, जिससे हम गोसाबा के एक और फेरी घाट पे जाएंगे, जिससे हम अपने प्राइवेट इको आइलैंड पे जा सकें। गोसाबा के मार्केट की एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सुंदरबन में जितने भी विलेजेस हैं वो उनका मेन मार्केट जो है वो गोसाबा ही है। ये देखिए, ये अजीबो गरीब गाड़ी, इसमें मेरी बीवी बोल रही है कि गेट कैसे खुलेगा या बैठेंगे कैसे। जो है बोट पे चढ़ना उतरना थोड़ा सा जो है वो केयरफुली करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये बहुत अनसेफ है, बट इस तरह इधर आपको इस तरह से ही मिलेगा, बट आप थोड़ा केयरफुली बोट पे चढ़ेंगे उतरेंगे तो अच्छा रहेगा वो। चलो बैठो 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 बैठो, देखते लोग तुम्हें देख बैठते हुए देखना चाहते हैं ऐसी जगह पे बैठ के कैसे दिखती है।
miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you? दोस्तों ये जो आप देख रहे हो यही है सुंदरबन के फेमस मैंग्रोव्स फॉरेस्ट। तो अभी इस वक्त हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग फेरी से अपने दूसरे फेरी से उस पार आ गए हैं। सेफ नहीं हो तुमको बाघों से क्या डर? सो दिस इज आवर कॉटेज। चेक इन करने और फ्रेश होने के बाद हम लंच की तरफ बढ़े। तो लंच में जो है हमें काफ़ी अच्छा एक टेबल था झूलने वाला, और आप लंच में देख सकते हो काफ़ी सादा खाना था और काफ़ी बढ़िया खाना था। वहाँ के विलेजर्स वगैरह ने कुक किया था ये खाना। और लंच में हमें बंधा गोभी, साग, दाल, करेले का भुजिया और चावल, और बाद में फिश कड़ी भी आई जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारी बीवी ने स्टार्ट कर दिया है। बढ़िया खाना। हमको पेटी चाहिए। पेटी नहीं, स्टमक में। ये हमारा फूड जो है आप देख सकते हो बोट नुमा टेबल जो है वहाँ से परोसा जा रहा है, बिल्कुल ही बोट के शेप का है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इको विलेज को काफ़ी रस्टिक लुक दिया गया था, और देख सकते हो कि ये कितना जो हाथ मुंह धोने वाला जगह है वो कितना ही मज़ेदार है। लंच के बाद हमने इको विलेज की ही सैर की, और वहाँ पे सुंदर सुंदर जो उनके पॉन्ड्स थे वो देखे, और उनके जो रास्ते थे जो विलेज वाले रास्ते थे वो हमने देखा, तो हमें बहुत मज़ा आया। इको विलेज की सैर के बाद हम थोड़ी दूर के लिए अपने कॉटेज से बाहर भी गए, और हमने वहाँ पे सूरज का जो किरण है और जो वो जो पानी पे पड़ रहा है उसकी चमक का मज़ा लिया, और साथ में बोट और नदी, और ये बहुत ही सुहावना लग रहा था। ये शेरू हमारा, ये हमारे पीछे पीछे आ रहा है बहुत देर से। शाम को हमारे टूर ऑर्गेनाइजर्स ने हमारे लिए एक विलेज वॉक ऑर्गेनाइज किया। सुकुमारी विलेज है और सज्जल आइलैंड है ये, और ये दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि सुंदरबन में है, और पहला सबसे बड़ा जो है वो है गंगा सागर। इवनिंग हो गया है, इवनिंग वॉक के लिए चले हैं। वो हमारे टूर ऑपरेटर और गाइड पीछे हैं। विलेज वॉक के बाद हमारे लिए टूर ऑर्गेनाइजर्स ने एक स्पेशल ट्रिप किया, जिसमें हमें एक पतले क्रीक के बीच से गुजरना था, और ये है पतला क्रीक जो कि काफ़ी डरावना था लग रहा था शुरू में, लेकिन हमें काफ़ी मज़ा आया, तो देखिए आप इसका मज़ा लीजिए।
चिकाटता है, तो जल्दी से छोड़ दीजिए पानी। अंदर के क्रीक से गुजरने के बाद टूर गाइड हमें एक ऐसी जगह पे लेके आया जहाँ पे मैंग्रोव्स के जो रूट्स हैं वो उगे हुए थे, तो वो हमें इंसिस्ट कर रहे थे उस पे चलने के लिए। तो उस पे मैं चला तो शुरू में मुझे तो डर लग रहा था, पर बाद में मुझे बहुत मज़ा आया। और उसके रूट्स जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, वो पैर डालने से ही जो है वो रबड़ की तरह नीचे चले जाते हैं, तो इसलिए उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मज़ा आप भी ले सकते हैं जब भी आप सुंदरबन विजिट करें। यहाँ पेड़ पे हमारे साथ ये केकड़े भी हैं। शाम का ये इवनिंग एक्सकर्शन है, तो ये गरम गरम ब्लैक टी और वेज पकौड़ा। यही है वो बोट नुमा टेबल जहाँ से हमें लंच डिनर और हाई टी परोसा जा रहा है। शाम को हमारे लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था और साथ में बॉनफायर भी था, तो हमने उनका जम के तो इस तरह बॉनफायर और कल्चरल प्रोग्राम्स के साथ हमारी शाम समाप्त हुई। और हम कुछ देर के लिए इस वॉच टावर पे स्टारगेजिंग करने के लिए भी गए डिनर से पहले। डिनर में हमें काफ़ी सादा खाना परोसा गया जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, और ये बैगन भाजा आप देख रहे हो, और दाल थी, पापड़ था, और चावल थी, रोटी थी, और आलू गोभी की सब्ज़ी थी, और ये चिकन भी आया बाद में जो कि मैं तो नहीं खाता हूँ, मेरी वाइफ ने बहुत इन्जॉय किया चिकन। हमारे लिए एक और ट्रिप ऑर्गेनाइज हुई जो कि वहाँ के प्लैंकटन्स दिखाने के लिए था, जो कि अंधेरा होने के कारण मैं शूट नहीं कर पाया।